बीते दिनों शासी कर्मचारी मनोज श्रीवास्तव द्वारा पूर्व विधायक पर जान से मारने की धमकी सहित विभिन्न आरोप लगाए गए थे। बताया गया था कि उनके द्वारा जमीन खरीदी गई है, पूर्व विधायक द्वारा उन्हें कब्जा नहीं करने दिया जा रहा है और धमकी दी जा रही है। यह मामला काफी चर्चा का विषय बना रहा। इसके बाद आज टीकमगढ़ पूर्व विधायक राकेश गिरी SP ऑफिस पहुंचे, जहां उन्हें जिस महिला की जमीन पर कब्जा करने की बात चल रही थी उसके परिजनों के साथ ज्ञापन सौंपा है और उसमें बताया गया है कि महिला की जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, जबकि उसके मनोज श्रीवास्तव द्वारा फर्जी तरीके से शासकीय पट्टे की जमीन खरीदी और अब महिला की जमीन पर कब्जा करने जा रहे हैं और शासकीय कर्मचारी द्वारा उन पर मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। कहाँ की रहने वाली? SP दफ्तर आई है आप आवेदन? क्या पूरा मामला? किसके खिलाफ आवेदन देने आई हैं? और ठेकेदार के अंचल खरे। क्या मामला? जमीन के बाय के मामले में मारवे की धमकी दिखाते हैं। कौन कौन? मनोज श्रीवास्तव खरे। मनोज श्रीवास्तव और अंचल खरे। अंचल खरे साहब से मारवाने की धमकी देते हैं। दोनों लोग मारने की धमकी देते हैं। वहाँ पर हम जाते हैं तो मारने की धमकी, वहाँ पर गए CCTV लेकर आए थे, हम रोकने गए तो हम दोनों मम्मी और भाभी थी हमारी, तो इसलिए दोनों को 100 नंबर में लाया गया और यहाँ पर पुलिस से अलवाया गया। अभय मिश्रा ने मारा था, पूरी हमारे हाथ की चूड़ी डाली हुई थी, खून भी निकला था, वो पूरी मुड़ी जाऊँ मैं दीवार में धरी थी, पूरी मुड़ी भी दुख रही थी, तो मैडम होता सलवा के लिए अस्पताल में दे दवाई भी कराई, इलाज कराओ ना करा नहीं घर चले। टीकमगढ़ स्वास्थ्य विभाग में मनोज श्रीवास्तव जो MPW हैं उनकी पोस्टिंग ग्राम शिबरी में है, लेकिन वो अपने राजनीतिक प्रभाव से रानीपुरा में अटैचमेंट कराए हुए हैं, जबकि रानीपुरा में पद भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो यहाँ अटैचमेंट कराए हुए हैं। और मनोज श्रीवास्तव हमेशा विवादों में रहने वाले व्यक्ति हैं और मनोज श्रीवास्तव के द्वारा एक बंसकार की जमीन ग्राम पंचायत श्रीनगर में खरीदी गई है, लेकिन वो जमीन शासकीय पट्टे की है और शासकीय पट्टे की जमीन खरीदने के पहले कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ती है, लेकिन मनोज श्रीवास्तव द्वारा अपनी पत्नी के नाम वह जमीन खरीदी गई है, कलेक्टर टीकमगढ़ से उसकी अनुमति नहीं ली गई है और उसके बाद शासन से भी, वो शासकीय कर्मचारी हैं तो जमीन क्रय करने के पहले विभाग से अनुमति ली जाती है, तो मैं विभाग से अनुमति नहीं ली, शासकीय पट्टे जमीन खरीदी है उसकी भी अनुमति नहीं ली और उसके बाद वो जमीन पठार पे थी तो उसका उन्होंने गलत तरीके बगैर सूचना दिए तरवीम कराई, तरवीम के बाद उनको कुछ पता नहीं सीमांकन कराया और जहाँ जी लोग खेती करते वहाँ वो कब्जा करने पहुँच गए, 3 बार लगातार पहुँचे, वहाँ जितने हरे भरे वृक्ष थे वो हरे भरे वृक्ष काटे, इन्होंने पेड़ काटने से मना किया तो इनके साथ अभद्रता की, इनके साथ गाली गलौज की, जिसकी रिपोर्ट डालने के लिए थाने टीकमगढ़ में भी आई। और अभी हाल ही की 2 दिन पहले की घटना है, जब वो वहाँ जमीन पे पहुँचे तो उन लोगों ने मना किया तो वो यहाँ कोतवाली में रिपोर्ट डालने के लिए आए, लेकिन उनका कहीं ना कहीं थाने में मैनेजमेंट था, मैंने SP टीकमगढ़ को आवेदन दिया है, उनके 2 मोबाइल नंबर दिए हैं कि इनकी कॉल डिटेल निकाल के जांच कराई जाए कि 1 हफ्ते से किन के संपर्क में है और किसके माध्यम से ये घटना को अंजाम दिया जाए। इन महिलाओं को भी वहाँ पुलिस के द्वारा बुलवाया गया, अंदर जाकर इनकी मारपीट की गई है मनोज श्रीवास्तव जी के सहारे पर, उसके बाद जी जैसे तैसे थाने से छूट गया कि मेरे पास घर आई, मैंने TI साहब से संपर्क किया, TI साहब बोले FIR उसमें हो गई है, मुझे मामला संदेहास्पद लगा, मैं इन लोगों को लेकर सीधे थाने पहुंचा तो मैंने देखा कि TI साहब के बगल में मनोज श्रीवास्तव बैठे, मैंने मनोज श्रीवास्तव को जैसे देखा मैं समझ गया कि जो वही व्यक्ति है कि अभी 181 कटवाने के लिए एक हरिजन समाज के व्यक्ति को असभ्य भाषा का इन्होंने उपयोग किया, उसका भी आवेदन पुलिस अधीक्षक महोदय टीकमगढ़ को अभी हाल कैलाश प्रजापति द्वारा दिया गया है। कैलाश प्रजापति के यहाँ भी 2 साल से 2 डिलीवरी हुई हैं, लेकिन 2 साल से वो निरंतर पैसों के लिए भटक रहे हैं और प्रसूति सहायता लेने के लिए उन्होंने 181 पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके लिए मनोज श्रीवास्तव जी द्वारा धमकाया गया, जिसकी ऑडियो क्लिप मैं आपको अभी दूंगा, जिसमें हमारे प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा है कि समाज की जो अंतिम छोर पर व्यक्ति खड़ा है, शासन की जो योजना है उनकी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचे, यदि किसी व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री योजना में लाभ लेने में दिक्कत आती है तो 181 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, लेकिन माननीय मोहन यादव जी की मंशा पर पानी फेरने का काम मनोज श्रीवास्तव जी द्वारा किया गया है, 181 लगाने वाले को 2 साल से प्रसूति सहायता का पैसा नहीं मिला है,
फोन पे धमका रहे हैं कि अपनी कटवाओ नहीं तो तुम्हें पुलिस से डंडे पड़वाएंगे। और प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे आदर्श हैं जिनका नाम वो किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं ये भी आप ऑडियो में सुनेंगे। तो मैं मनोज श्रीवास्तव आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं वो कान खोल के सुन लें कि सरकार की योजना में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। मुख्यमंत्री की मंशा है कि हर गरीब को उसका हक मिलना चाहिए, इसलिए हर गरीब का हक अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचे, इसलिए आज हम इन गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए आया है। मुझे इस बात का दुख है कि किसी गरीब महिला की ज़मीन पर मनोज श्रीवास्तव बिना अनुमति के शासकीय ज़मीन खरीद कर कब्जा करने पहुँचते हैं और गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए यदि हम थाने पहुँच जाते हैं तो हमारे खिलाफ़ राजनीतिक षड्यंत्र करके वो मेरे खिलाफ़ आरोप लगाते कि मुझे राकेशगिरी का खतरा है। अरे भाई किस बात का खतरा है, वही मनोज श्रीवास्तव हैं जिनको एक महाराज जी के कहने पर मैंने पोस्टिंग उनकी धदरई के पास कराई थी। 2-3 साल पहले मैंने उनकी मदद की थी, लेकिन आज किसी गरीब के साथ वो अन्याय करेंगे हम उसकी बात रखेंगे तो मुझसे उन्हें खतरा हो गया है। तो इन महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, पुलिस ने बंद कमरे में मनोज श्रीवास्तव के साथ इन महिलाओं की मारपीट की है। उसी को लेकर आज हमने पुलिस अधीक्षक को टीकमगढ़ को ज्ञापन सौंपा है कि इन्होंने जो मनोज श्रीवास्तव ने। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।